आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि एस एन बी द सम ऑफ टू एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी दे रखा है। ठीक है, इस एपी का अपने का सम ऑफ एन टर्म को अपने के पास एस एन से रिप्रेजेंट किया गया इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है। ये अपने के पास एक इनइक्वालिटी दे रखा है, देन एन इज इक्वल टू एन का वैल्यू अपने के पास यहाँ से निकालना है। चलिए अपने पास ये जो एपी है वो अपने पास क्या दे रखा है, 3, 7, 11, एंड सो ऑन। ये अपने के पास किस में दे रखा है, ये अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ये अपने के पास एक एपी है, जब अपने के पास ये एपी है तो इसका अपने के पास फर्स्ट टर्म किसके बराबर है, ए इक्वल टू अपने के पास 3 के बराबर, और कॉमन डिफरेंस अपने के पास 7 में से 3 जाएगा 4 के बराबर। यहां से एस एन बताओ, जैसे ही अपने पास एस एन किसके बराबर जाएंगे, एस एन इक्वल टू आ गया अपने के पास एन बाय 2 इंटू अपने के पास किस बराबर जाएंगे 2a, तो 2a अपने के पास किस बराबर जाएंगे बताओ, तो 2a तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 के बराबर, और प्लस टाइम्स n माइनस 1 इंटू डी, डी अपने के पास जाएंगे 4 के बराबर। हाँ आना, तो यहाँ से आगे अपने किस बराबर n बाई 2 और इंटू किस बराबर जाएंगे 6, और प्लस टाइम्स अपने के साथ जाएंगे 4n और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये किस बराबर जाएंगे n बाई 2 और इंटू अपने के पास जाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे 4n के बराबर, 2a 2 प्लस टाइम्स 4n के बराबर। हाँ आना, यहाँ से अपने पास क्या करो, 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर लो तो n इंटू 1 प्लस 2n के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, तो 1 प्लस 2n के बराबर सॉल्व करोगे तो ये किस बराबर जाएंगे 2n स्क्वायर और प्लस टाइम्स n के बराबर, ये किसके बराबर जाएंगे sn के बराबर। हमारे पास क्वेश्चन भी क्या कर रहा है कि सिग्मा एस के बताओ, सबसे पहले अपने पास क्या बताओ सिग्मा एस के, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा एस के, सिग्मा एस के मतलब अपने पास के अपने पास कहाँ से कहाँ तक है, तो के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास सिग्मा एस के की जगह अपने पास यहाँ से बताओ एस के, एस के किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से अपने के पास के की जगह वैल्यू जैसे ही चिपकाओगे तो यहाँ से आगे अपने पास 2k स्क्वायर और प्लस टाइम्स के के बराबर। हाँ या ना, एस के अपने पास एन की जगह के से रिप्रेजेंट कर दीजिए, वेरिएबल चेंज करने से सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो के इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक। ठीक है, तो यहाँ से आगे अपने बराबर 2k स्क्वायर और प्लस टाइम्स के बराबर। एक चीज आपको पता है कि अपने के पास जब सिग्मा सिग्मा अगर अपने पास एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, और ये किस बराबर जाएंगे 2k स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स सिग्मा एन इक्वल टू अपने के पास 1 से लेकर के कहाँ तक, k तक, और ये आ गया अपने पास के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने के पास एक फॉर्मूला होता है सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर का अपने पास फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन के बराबर, क्योंकि फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है, और ये आ गया अपने पास किस बराबर 2n प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने का 6 के बराबर, और 2 सिग्मा से बाहर आ जाता है तो 2 मल्टीप्लाई बाय, और फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम है, ये अपने के पास यहाँ पर एन है, यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ से अपने के पास क्या है, यहाँ पर ऊपर एन है। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास एन इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में किसरा जाएंगे तो 2 के बराबर। ये फॉर्मूला होता है अपने का सिग्मा एन का, जो फॉर्मूला होता है वो अपने के पास होता है एन इंटू एन प्लस 1 और अपॉन में 2 के बराबर। सिग्मा एन स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो अपने के पास होता है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू अपने का 2n प्लस 1 और इंटू अपने का आ जाएंगे 6 के बराबर, अपॉन में 6 के बराबर। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, n की जगह अपने का यहाँ पर कैसे रिप्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से अपने का सीएस के बराबर हो गया, यहाँ से आप क्या करें तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ अपने का 2 3 6, यहाँ से अपने का आ जाएंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अपने का बचेगा क्या, 2n प्लस टाइम्स 1 और अपॉन 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। हाँ या ना, यही हो जाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 कॉमन ले ले तो 2n प्लस 1 और अपॉन में 3 के बराबर प्लस 1 के बराबर, अच्छा प्लस 1 बाई 2 के बराबर बचेगा, प्लस 1 अपॉन 2 के बराबर, क्योंकि अपने का सीएजीटी है। यहाँ से आगे अपने का बराबर n इंटू एन प्लस 1 के बराबर और इंटू अपने का आ जाएंगे, इसको एलसीएम ले लो तो ये आगे अपने का 4n प्लस टाइम्स 2 के बराबर और प्लस टाइम्स 3 और होल अपॉन में अपने का 6 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आगे अपने का 4n प्लस टाइम्स 5 के बराबर, तो यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 और इंटू किस आ जाएंगे 4n और प्लस 5 के बराबर और होल अपॉन में अपने के आ जाएंगे 6 के बराबर। ये अपने पास क्या आ गया, तो सिग्मा के बराबर आ गया। ठीक है, सिग्मा एस के बराबर, जब एस के ये आ गया, एस के का वैल्यू अपने पास इसके बराबर दे रखा है, यहाँ पर जगह ही नहीं, तो यहाँ से अपने के पास बताओ ये किसके बराबर दे रखा है, तो 6 अपॉन में 6 और अपॉन में एन इंटू एन प्लस 1, 6 अपॉन में अपने के बराबर दे रखा है एन इंटू एन प्लस 1 और मल्टीप्लाइड बाय अपने का सिग्मा के, सिग्मा के का वैल्यू अपने के किस बराबर, देखो सिग्मा के का वैल्यू अपने के n इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1 इंटू अपने के किस बराबर है 4k प्लस टाइम्स 5 के बराबर, 4n प्लस टाइम्स 5 के बराबर है ना, और होल अपॉन में अपने के बराबर 6 के बराबर। ये लेस देन किसके बराबर है, तो लेस देन अपने के 42 और लेस देन 42 और ग्रेटर देन अपने के बराबर 40 के बराबर। जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है उसको बचा लेते हैं।
ठीक है, तो ये सिक्स सिक्स गया, एन इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन गया, तो यहाँ से आ गया अपने पास 40 लेस देन 4n और प्लस टाइम्स 5 के बराबर, लेस देन आ गया अपने पास के बराबर 42 के बराबर। यहाँ से 4n लेस देन आपने पास 42 में से 42 5 माइनस कीजिए 12 में से 7, तो ये आ गया अपने पास 37 और ये किस आ जाएंगे 35 के बराबर। हाँ या ना, 37 से छोटा और 35 से अपने पास के आ जाएंगे बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास n क्या आ जाएंगे लेस देन 37 अपॉन 4 और यहाँ से आ गया अपने पास बराबर 35 अपॉन 4 के बराबर, 4 8 32 4 9 36, तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 पॉइंट समथिंग के आसपास और लेस देन अपने पास n और 4 8 32 4 9 36 9 पॉइंट समथिंग के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास n आ गया 8 और 9 के बीच में और n के बारे में अपने पास पहले से पता है कि n इंटीजर ही होगा, तो 8 और 8 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग के बीच में n अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आता है जो कि अपने पास 9 के बराबर है। हाँ या ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ अपने पास n, n किसके बराबर है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा वो अपने पास बराबर हो जाएंगे 9 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे अपने पास जेई मेंस के 30 जनवरी 2024 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन थे और ये आपको मरते दम तक याद रखना है। कब तक? मरते दम तक। ठीक है, क्योंकि अपने पास अगर इन फ्यूचर अगर आप पढ़ाइएगा तब पर भी आपको काम आएगा, तो इसका बात का ख्याल रखिएगा। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा से लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनके पास इसकी जगह इनकी जगह क्या डाल दीजिए, के डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अपने पास के और ये आ गया अपने पास के स्क्वायर के बराबर और यहाँ से के इक्वल टू वन से लेकर के कहाँ तक एन तक कर दीजिए और के इक्वल टू यहाँ से वन से लेकर के कहाँ तक एन तक कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप इनके पास याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फिर गलत बात है। अब एक के कहाँ भाग गया। ठीक है, जो भी आप इनके पास देख लीजिए आप इनके पास एक बार। ठीक है, यहाँ से एन की जगह अपने पास के डाल दीजिएगा और कुछ नहीं। तो ये थे आप इनके पास, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन रख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंडिशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।